इंसान पर जब शयातीन और नफ्स का गलबा हो जाए तो फिर हाल ये होता है इंसान का कि अल्लाह के बताए हुए रस्तों से मुतबादिल रस्ते तलाश करना शुरू करता है, अपने हालात को संवारने के लिए, अपने हल तलाश करने के लिए। उसका यकीन जो है अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे कमज़ोर दर कमज़ोर दर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हत्ता कि ये वक्त ऐसा मामला होता है कि खौफ उसको यही होता है कि लोग मुझे बेदीन ना समझने लगें, और दिल से उसका यकीन जो है वो उठ जाता है। और ज़ाहिर है उसका जो अमल बताता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रास्ते मुंतखब किए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, उससे मुतबादिल रास्तों को तलाश करता है। समझता यही है कि जो मैं अपनी इस परेशानी को, इस मुसीबत को, इस हालात को इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से इसमें सही कर सकता हूँ, और इस हालत में शयातीन और नफ्स जो हैं उसके साथ खेलना शुरू करते हैं और उसको बहुत दूर निकाल लेते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। इस हालत में अगर इंसान दुनिया से चला जाए तो ईमान की कैफियत उसकी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी हालत है। आज हाल ऐसा है कि ये हमले बहुत ज़्यादा हैं शयातीन के भी और नफ्स के भी इंसान के साथ, और वही आज दौर है कि मुतबादल रास्ते जो इंसान बहुत तलाश करता है। गो इबादत हम करते हैं, करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यकीन उस दर्जे का नहीं जो होना चाहिए अल्लाह से, वो ताल्लुक नहीं अल्लाह से जो होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु ताला किसी चीज़ का हल बता रहे हो और मेजॉरिटी जो मानने वाली अल्लाह को उसके मुतबादल रास्ते पे चलना पसंद करता हो, या परेशान हो जब अल्लाह के रास्ता बता रहे हैं तो फिर उस रास्ते पे चलने से परेशानी क्या इंसान को। तो ये बहुत समझने वाली बात है। मेरी और आपकी ज़िंदगी है, इंसान के साथ बीमारी भी आती हैं, परेशानी भी आती हैं, किसी को डिप्रेशन कह देते हैं, किसी को जन्नात कह देते हैं, किसी को पागलपन कह देते हैं, कि खुदकुशियाँ अख्तियार कर लेता है, डिप्रेशनों का शिकार हो जाता है, वो हालात को तब्दील करने के लिए बुरे बुरे रास्तों का अख्तियार करता है, जन्नात के सहारे लेता है, शिरकों की तरफ चला जाता है। यह आज का मामला। और फिर शैतान उनके साथ खेलते हैं, इंसानी शक्ल में शैतान मौजूद हैं जो उनसे हर लिहाज से फ़ायदा उठाते हैं, पैसों का, माल का, इज्जत का,
सब कुछ लूट लेते हैं उनकी। अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है ठीक है तूने मुझे छोड़ा तो मैं भी तुझे उन्हीं के सुपुर्द कर दूंगा जिनकी तरफ तू गया है। हदीस का मफहूम है दोस्तों। कि जो जिक्र करता है, जिसके लिए जिक्र का दरवाजा खुल गया, बड़ी खूबसूरत हदीस है, गौर से सुने। तामीद मैंने जो की है इससे बहुत सादिक हो गई हदीस, कि जिसके लिए जिक्र का दरवाजा खुल गया उसके लिए अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा खुल गया, और जो अल्लाह तक पहुंच गया जो चाहता है वो पाता है। अल्लाह के दरबार में किसी चीज की भी कमी नहीं है। क्या रास्ता अल्लाह ने बताया, मुझे बताया बताए कि इतनी खूबसूरत चीज अल्लाह ने दी है जिक्र, इसके मुकाबले में कोई रास्ता हम तलाश करें? कोई टेबलेट खाएं, कोई गोली खाएं, किसी जिन का सहारा लें, किसी गैर रास्ते पे चलें, किसी गैर इंसान का हाथ पकड़ें, किसी उस पर तवक्कल करें? अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी गारंटी दी जा रही है कि जिसके लिए जिक्र का दरवाज़ा खुल गया। ये भी गौर तलब बात है, दरवाज़ा भी ये तलब से खुलता है जिसका यकीन हो जाए ना अल्लाह पर, तो अल्लाह उसको ये रास्ता दिखाते हैं, जिक्र तक पहुँचाते हैं। जब सोचता है कि बंदा किसी परेशानी में मुबतला है, किसी कैफियत में मुबतला है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह फिर उसको उस तरफ लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जहाँ से अल्लाह के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो ये जिक्र जो है इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए जिक्र का दरवाज़ा खुल गया, अल्लाह अल्लाह तक पहुँचने तक दरवाज़ा खुल जाता है। जो होया कि अल्लाह के जिक्र के अंदर, गौर से सुने मेरी बात, इस हदीस सुनने के बाद कोई मुश्किल, कोई बीमारी, कोई हालत, कोई कैफियत ऐसी नहीं है कि जिसका हल अल्लाह के जिक्र में मौजूद ना हो। लेकिन रुकता कौन है? वही शैतान जिन्होंने कब्जा किया होता है, जिसको पागल कर रहे होते हैं, जिसको डिप्रेशन में डाल रहे होते हैं, जिसको परेशान कर रहे होते हैं, जो खुदकशी तक लेके जा रहे होते हैं, वो उसको मजबूर करते हैं कि तुझ पर यकीन ना कर, तो ये तो चीज ही नहीं है। तो जरा इतना सोच ले कि मैंने कलमा पढ़ा है, मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल पे यकीन करता हूँ, तो ये फरमान उन्हीं का मेरी तरफ से आ रहा है, ये कैसे गलत हो सकता है जिस अल्लाह को मानता हूँ, और वो अल्लाह बंदी की परेशानी पे हल पेश ना करें, हल होना उसका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरे कुरान में मौजूद है, किस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तैयार किया, बचपन में कैसा बचाया, खुद ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और उस वक्त कि जब कत्ल आम था बच्चों का, मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदगी दी अल्लाह ने, पैदा किया, उसकी माँ से कहा डाल दरिया में, माँ को तैयार किया। हालांकि कोई माँ छोड़ती है अपने बच्चे को, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसके कल्ब को चेंज किया, तब्दील किया, उसकी माँ को तैयार किया, तो राजी हो गया अपने बच्चों को दरिया के अंदर फेंकने के लिए। दरिया में गया, लहरें उठा के उसको कहाँ ले गई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी दुश्मन के पास ले गए जो बच्चों को कत्ल कर रहा था इन्हीं के खौफ से। सब कौन करने वाली है ताकत कौन है? अल्लाह के साथ है। कितना बड़ा वाक़ा है, यानी जो कत्ल कर रहा है अपनी हिफाजत के लिए, अल्लाह सुब्हान व तआला उसी इंसान को जो उसको सही करेगा, उसका खाना खराब करेगा, उसी के घर उसको भेजा जा रहा है पैदाइश के लिए। और माँ से माँ को तसल्ली की, तो परेशान ना, अल्लाह तकाफ लेता हो, तू गम ना कर, फिक्र ना कर, बच्चे को दूध तू ही पिलाएगी। अकल तस्लीम नहीं करती इस बात को, लेकिन अल्लाह 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 है, हमारा तो ईमान है अल्लाह ताला का। बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, परवरिश की, रहे, थप्पड़ भी मारा फिरौन को, वार्न किया, वहीं रहे, वहीं परवरिश, अल्लाह ने उन्हें तैयार किया, ऐसा तैयार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वाक़ियात पढ़ते हैं, अपने पास बुलाया, ओहद तूर पे बुलाया, आग के जरिए बुलाया, आग की तलाश में बुलाया, बुलाया आग के लिए, और मिल गया अल्लाह हमको वहाँ पर। देखिए, मैं हूँ इधर,
बात किया था मूसा सलाम से, मौजात अता फरमाए, नबुवत अता फरमाए, लाठी जो थी उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाल दी कि तेरा सब काम करेगी, हाथ ऐसा था उसको ऐसा बना दिया मौजा के तुझे भी तेरा काम करेगा, दो मौजे दिए, मौजात दी है, और फिर दुआ कबूल की हज़रत मूसा अलैहि सलाम की, तैयार किया उस फ़िरऔन के लिए मुकम्मल तौर पर। पढ़ते हैं ना आप कुरान, पूरा मुकम्मल तैयार किया, दुआओं को मांग के अल्लाह माशा सदी भी असल हम कि अल्लाह मेरी जबान भी सही कहे, मेरे सीने को भी सदा कर, मेरे जो भाई इसको मेरे लिए तैयार कर, इस तैयारी की जा रही है किस लिए कि अल्लाह ताला कहाँ भेज रहे हैं उसको, फिरौन की तरफ भेज रहे हैं, कहा कि देख भाई सब तैयारियों के साथ मैं तुझे भेज रहा हूँ उस आदमी की तरफ, बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान है, उसकी तरफ तूने जाके मेरा पैगाम लेना है। सब तैयार करने के बाद कुरान उठा के देखें अल्लाह पाक क्या कहता है, अल्लाह तनिया फिर जिक्र कि सब कुछ तैयार देने के बाद होना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तैयार तो कर दी है, मौजदात भी दी है, नबूवत भी दी है, ताकत भी दी है, तूने सीने को भी सदर किया है, जबान भी सही की है, भाई भी दी है, ये सब कुछ तो तेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह तनिया फिर जिक्र, मेरे जिक्र से तू सुस्ती ना कर। तो सीन करते हैं कि देखो कितनी बड़ी बात है इसमें अल्लाह के जिक्र के बारे में, कि सब कुछ अल्लाह ताला दे रहे हैं, वलौसुम नबी हैं, लेकिन फरमाया कि जब तू जाके वहाँ उसके साथ मुकाबला करेगा, जो मौजूदात मौजूद हैं, सब चीज़ मौजूद है, लेकिन जो सब बरकत होगी वो किससे होगी, मेरे जिक्र और मेरी याद के साथ होगी। भला तनिया सुस्ती ना करना, इसमें फतह तुझे यही दिलाएगा, मेरा जिक्र तुझे फतह दिलाएगा। अल्लाह की याद इतनी बड़ी चीज़ है कि कोई मुश्किल, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कुरान तक हमें यकीन दिला रहा है कि अल्लाह के जिक्र पे यकीन करो, अल्लाह की याद को मानोगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर बात उसी वक्त होएगा, इंसान भटकेगा उसी वक्त ही, शैतान के हमले उस वक्त होंगे जिस वक्त अल्लाह को इंसान छोड़ देता है, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से दूर हो जाता है, अल्लाह की याद से उस गफलत होती है, उसको उलझन होना शुरू हो जाती है। तभी बुजुर्गान दीन ने कहा है कि याद रखो, जिक्र एक ऐसी चीज़ है, तबीयत माने ना माने, दिल माने ना माने, कैफियत कोई उतरे ना उतरे, असरात कोई आए ना आए, लेकिन जिक्र को ना छोड़ना एक दिन तुम्हें कामयाब कर देगा, पकड़े रखना उसको। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे, किसी हजरत हमसे जिक्र नहीं होता, और परेशान हाल हजरत के पास एक शख्स आता था, बहुत बड़ा कारोबार था उसका, भाई ने सारा कारोबार लूट गया, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, ट्रबल है मैं था, इत्तेफाक से मैं भी हजरत की सोहबत में उसको गया था, तो उससे मेरा तारुफ हुआ, तो उसने अपने हालात बताए, बे इंतहा परेशान, तो कहता जी बस मैं तो अब इतना परेशान हो गया, दुनिया से ख़त्म होकर मैंने हजरत का पता चला तो मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ। मैं कहा तू पहुँचा सही जगह पर है, इंशाल्लाह काम तेरा बनेगा। कहता जी मुझे 3 साल तो हो गए लेकिन दिल जो अभी तक बदला नहीं। मैं कहा दिल तेरा बदलेगा, यहीं से तू बैठा रहे, जिक्र तू करता रहे। इतना जब्त हमला था शैतान का और नफ्स का उस पर, मैं बातें करता था उसके साथ, उसको नज़दीक ही नहीं आने देते थे अल्लाह के जिक्र के, उसको कैफियत ही नहीं उतरने देते थे। सुभान अल्लाह, अब मैं उसका ख़त पढ़ता हूँ जो मेरे पास आते हैं, तो वो एक आला दर्जे के वलायत के दर्जे पे मौजूद है वो शख्स। तो वक्त ये अल्लाह की हिकमत है कि किसी पे बहुत जल्दी असर हो जाता है, लेकिन बात यही है कि जो इलाज है वो इलाज ही है, उसमें नुकसान है ही नहीं, उसमें नुकसान है ही नहीं, उसमें ये ना समझेंगे हमारा फ़ायदा नहीं होगा, नहीं हो रहा, करते ही रहे इंसान जिक्र को, करते ही रहे, छोड़े ना, बस इसमें यह है कि उस अल्लाह ने अल्लाह के जिक्र को ना छोड़े। बकौल हज़रत थानवी के, कुछ भी नजर ना आए, कुछ हमें समझ ना आ रही हो, कुछ फ़ायदा नजर ना आ रहा हो, कुछ कैफियत ही ना बन रही हो, परेशानी दूर ही नहीं हो रही हो, इतने दिन ना गिने, दिन ना गिने, बस अल्लाह की याद के साथ लग जाए। अल्लाह का नाम बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि देखें, यहाँ एक इश्काल हमारे जहन में आ सकता है कि भाई हमने तो देखा अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, खुद एक जी टाइप पर बैठे होते हैं, कुर्तों पर उनके पैमाने लगे होते हैं, फ़िक्र वाली ज़िंदगी होती है उनकी, खाते पीते उनके नहीं, उनको तो बेचारों को फाके चलते हैं घर में, और रोटी भी नहीं होती, और उनके तो कोई नज़र ही नहीं आता ऐसे कोई चीज़ हो। कहते हैं अल्लाह ताला अल्लाह का जिक्र करने वाले अल्लाह वाले लोग हैं। ये इश्काल मैं आपको दूर कर दूँ, वो क्या चीज़ है। हकीकत में बात यह है कि
हालत उनकी ये होती है, हालत उनकी ये है कि जिसको अल्लाह फरमाया कि जब कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला मेरा दोस्त हाथ उठा दे तो मुझे हया आती है कि मैं उसके हाथ को नीचे कर दूं दुआ मांगे, हाथ उठाए अल्लाह तक मैं उसको दे बगैर छोड़ता ही नहीं, जो मांगता है मैं उसको दे देता हूँ। हाथ उठाना तो बड़ी चीज है, अल्लाह ताला कहता है कि उसके दिल में भी कोई ख्वाहिश आती है तो मैं उस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। अभी उसके पलक झपकते नहीं तो वो चीज़ उसके सामने मौजूद हो जाती है। इस कैफियत में इंसान होता है तो वजह क्या है, वजह उसकी यही है कि वो इस्तग़ना इतना हो जाता है उन पर, इस्तग़ना। किस हजरत बायज़ीद बस्तामी से किसने पूछा, हजरत इतनी भूख, इतनी भूख, इतना नंग, क्या मान जाए, लोग आते हैं तो आप उनके लिए दुआ करते हैं? तो हजरत कांसू है फरमाने लगे कि बात दरअसल ये है कि भूख एक ऐसा अबर है अल्लाह की तरफ से कि उसमें से अल्लाह के अनवरात की बारिशें उतरती हैं मुझ पर, वजह ये होती है इस्तग़ना। क्योंकि जब अल्लाह इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर उस मोहब्बत करने वाले की हर चीज़ प्यारी हो जाती है, फिर हर चीज़ प्यारी हो जाती है। आप ये देखिए, एक तो ये, फिर किराए का मामला काम नहीं चलता कि भाई हम तो जिक्र उस वक्त करेंगे हमारी ये परेशानी। दो किस्म का जिक्र करने वाले होते हैं, एक तो जिक्र करने वाले इसलिए आते हैं कि जब हम जिक्र करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, जिक्र करेंगे तो हमारा फला काम हो जाएगा, जिक्र करेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, जिक्र करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, या फिर आ भी गए तो अल्लाह वाले के पास हजरत ये काम नहीं हमारा, अटक गया दुआ करो, फला काम हो गया, अटको फलो, मंजिल उनकी यहीं तक रहती है। ये तो वो है कि सौदाबाजी हो गई अल्लाह के साथ। हाँ, जो जिक्र अल्लाह को पाने के लिए करते हैं उनके लिए दरवाजे खुलते हैं अल्लाह तक पहुँचने के लिए, फ़र्क बहुत है। ऐसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि किसी का बच्चा गुम हो जाता है और एक आदमी तलाश करता है, उसमें इनाम रखा जाता है कि जो मेरे बच्चे को तलाश करेगा उसको 10,000 पाउंड मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ चलो भारी बैठे तलाश करते हैं बच्चे को, बच्चे को तलाश करना शुरू कर देता है। वो किस चीज़ पर तलाश कर रहा है? 10,000 पाउंड पर। और जो बाप अपने बच्चे को तलाश कर रहा होगा उसको पाउंड की ध्यान होगा? वो तो भाग रहा होगा, तू मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है, उससे कहें तू अपने बेटे को ढूंढ, तुझे 10,000 देंगे। कैसे हिमाकत वाली बात करते हो, ये क्यों सौदे वाली बात है? मुझे तो अपना बेटा चाहिए, बेशक कहीं से मिल जाए, वो पागलों की तरह भागेगा, उस पर तो कोई लालच नहीं होगा। तो जो अल्लाह को पाने वाले लोग होते हैं, जो अल्लाह को पाने वाले लोग होते हैं उनके दिल में यही मोहब्बत होती है कि हमें लालच किसी चीज़ का नहीं, हमने तो अल्लाह को पाना है। दोनों में फर्क आ जाता है, दोनों के अंदर फिर फर्क आ जाता है अल्लाह को पाने का। याद रखे, तो जिक्र करे इंसान तो किस लिए जिक्र करे? कि हमने अल्लाह को पाना है। ये नहीं कि मुसीबत में बंगाल लेके बैठ जाए कि हमने सुना नहीं, वो तो अलग की बात है। हमारा काम तो अल्लाह को पाना है, तकलीफें दूर करना अल्लाह का काम है, करे या ना करे हमें से कोई ताल्लुक नहीं। मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि इस्तग़ना होता है इंसान। हजरत नून मिस्री रहमतुल्लाह के छोटा सा वाक़ा भी मेरे ज़हन में आया कि किस दर्जे के बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, कितना उनका हाल था। एक शख्स आया उनके पास, तो खुद चटाई बैठे, कह रहा हसा बहुत सख्त परेशानी है, बहुत मेरा बुरा हाल है, और ये है फला है, फलास है, भूख है। वो पता कि हजरत के पास तो 2 दिन से खुद रोटी नहीं खाई, मांग बा मुझसे दुआ के लिए कह रहे हसन मुझे इस चीज़ के लिए दुआ करें मेरे अल्लाह से। ज़ाहिर है तो हदीस है कि भाई अल्लाह वाले से दुआ करो, किसी बल्कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करे, क्योंकि जो मुसलमान पीठ पीछे दुआ करता है किसी मुसलमान की तो उसको दुआ कबूल हो जाती है। तो जब किसी, ये एक मसला सुन लें कि जब किसी से कहा जाए कि आप मेरे लिए दुआ करें, ख़त में लिख के या टेलीफोन पर गए, तो उसका मतलब ये नहीं हो कि आप बुज़ुर्ग हैं, सुने जी नहीं मैं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। यह हदीस है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई के लिए उसके पीठ पीछे गायबाना उसकी जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं, ये फरमा लेते हैं। तो इस अंदाज से इंसान को चाहिए कि फौरन उसके लिए दुआ कर दे। कमाल हमारा नहीं, देने वाले कौन है? अल्लाह की ज़ात है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमेशा इंसान को कहना चाहिए, ये नहीं कि मैं तो बुजुर्ग हूँ दूसरों से क्यों कहूँ। अगर मैं आपको अपने हजरत का खत दिखाऊँ तो उस खत में कोई चीज़, कोई खत ऐसा ना हो जिसमें हजरत ने मुझसे कहा ना हो कि तुम मेरी दुआ कर। तो दुआ एक बड़ी चीज़ है, गायबाना दुआ बहुत ऊँची चीज़ है, एक मुसलमान मुसलमान भाई के लिए करनी चाहिए दुआ। खुद ना हो तो पता भी उसको तकलीफ है तो तब भी दुआ कर दे उसके लिए। तो अर्जी कर रहा था कि उनसे, उसने कहा हजरत तुम्हारा तो बहुत उनको भूखा हूँ, ये है फलां फलास। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, इधर उधर देखा, पैसा तो नहीं था, एक डला था कि ये डला पकड़। जब उसको देने लगा तो पैसा सुन डला है, तो उसने हाथ कर दिया डला, जब उसके हाथ में गया तो वह अशरफी बन गया। अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान तआला करते हैं हर चीज़।
बात यह है कि अस्तखना होता है अल्लाह वालों के लिए, क्या है कि वो अपनी फिक्र में नहीं रहते, तो अल्लाह की उनके अंदर ये चीज़ क्या, अल्लाह का जिक्र इतनी मोहब्बत अल्लाह से पैदा कर देता है, इतनी उसके हर कैफियत को वो बर्दाश्त करते हैं, उनको अपने हालात का पता ही नहीं होता, वो तो महवे यार होते हैं, उनको तो अपने अपने दिलों के मस्त होते हैं, उनको तकलीफ़ों का पता ही नहीं होता हो क्या रहा है क्या है, अपनी अपना मांगना ही भूल जाते हैं उनसे। तो ये उस दर्जे पर होता है इंसान जब अल्लाह को तलाश उस वक्त करे कि जब कोई इंसान को लालच ना हो किसी का, तो पता हो कि जिसके साथ हम दोस्ती लगा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, जब दुनिया को देगा तो मुझे क्यों भूखा रखेगा, मुझे क्यों नहीं देगा, अगर जो सब कुछ मेरे हालात हैं तो उस पर शुक्र अल्लाह का करे, क्योंकि भाई ये तो अल्लाह की तरफ से है, वो खुद ब खुद जिक्र कनात देता है, इस्तगनाई देता है, शऊर देता है, तवक्कल देता है, समझ देता है, जिक्र कितना ऐसा नूर अल्लाह पाक ने दिया है क्योंकि अल्लाह के करीब करता है इंसान को। तो अर्ज यही कर रहा था कि हमारी सारी मुश्किलात का, परेशानियों का, सब चीज़ की तकलीफ़ों का हल किस में है, अल्लाह के जिक्र में, और किस लिए कि जिक्र अल्लाह के लिए किया जाए जिसमें दुई का नफ्स ना हो। हिम्मत करें, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र ऐसी चीज़ है ना दुनिया में इंसान को अकेला छोड़ता है और ना आखिरत में अकेला छोड़ेगा। तो आज दुनिया जो है जिक्र से गाफिल हो गई है, तो परेशानी बढ़ गई है, मुसीबतें बढ़ गई हैं, बीमारियाँ आ गई हैं, जहनी बीमारी भी आ गई हैं, शिर्क के कभी करीब भी चले जाते हैं, खुफी शिक्र शिर्क भी हो जाता है, नफ्स को भी पूजना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे हालात में चले जाते हैं। दुनिया यह है कि निकलना नाम ही नहीं लेती इंसान के सीने से, चिपटी होती दुनिया इंसान के साथ, दिन रात हमें एक ही ख्याल होता है। अब वो ख्याल क्या है कि सब इस चीज़ का डर होता है कि मैं इफलास ना मुझ में आ जाए, कि मुझ में किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, कि मेरा पैसा ना डूब जाए, सारी मादियात के अंदर ढूंढता है उस वक्त इसने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया। जब बंदा अल्लाह से गाफिल से फंसा हम, तूने मुझे छोड़ा है मैंने भी तुझे छोड़ दिया, जा फिर शैतानों के साथ लग जाता। मेरे भाई जिस तरह भी जिक्र हो सके, छोटा मोटा थोड़ा जितना, अल्लाह की याद के साथ इंसान को मुंसलिक होना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए।